एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं आ जाऊँ होली की स्पेशल वीडियो शूट करने, वो भी द्वारका दास गार्डन में, क्योंकि उधर तो पब्लिक होती नहीं है। तो आज से मैंने सोचा है कि 30 दिन के 30 व्लॉग होंगे, वो भी अल्टीमेट होंगे, 30 दिन के 30 व्लॉग ट्रेंडिंग में जाएंगे अपने। तो आज से फर्स्ट व्लॉग स्टार्ट अपना जो होली वाला है स्पेशल है। तो आज द्वारका दास गार्डन में चलेंगे मस्त, और 10 रुपये गुलाल वुलाल लेते हैं, फिर व्लॉग बनाएंगे। मैं फाइनली मैंने 10 रुपये गुलाल ले लिए, ज़्यादा नहीं ली क्योंकि जेब में एडजस्ट नहीं होती है, और 10 रुपये गुलाल ले लिए। अब चलते हैं मस्त। ये है थड़ी मार्केट जहाँ पहले मैं रहता था भाई, बड़ी कमाल की लोकेशन है यहाँ पे मस्त। इधर के माहौल में तो घूमने में भी मज़ा आता है, गली गली में, मानसरोवर में, और हमारी तरफ जो कीचड़ है तो मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल। इधर तो घूमने में भी मज़ा आता है, देखो मस्त सीन इधर का। भाई मैं रहता था इस गली में, इस गली के सेकंड वाले मकान में, पिंक पिंक का। सो भाई फाइनली मैं पहुंचने वाला हूँ द्वारका दास गार्डन, जस्ट आस पास ही हूँ, मतलब 10-20 मीटर। देखते पब्लिक होगी तो होली वाली वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर आपको द्वारका दास गार्डन दिखाएंगे मस्त से, क्योंकि पब्लिक होने में मज़ा आएगा अगर होली की वीडियो बनाएंगे तो। देखते कैसा कैसी सिचुएशन है। तो जस्ट वो रहा द्वारका दास। तो भाई फाइनली मैं पहुंच गया द्वारका दास गार्डन के अंदर जस्ट, और भाई नज़ारा दिखाता हूं आपको, यहां पे कितनी शांति और कितना मज़ा आता है भाई पार्क में घूमने का। और ये पार्क इधर का सबसे बड़ा पार्क है द्वारका दास गार्डन, देखो यहां पे अभी तो पब्लिक बहुत कम है भाई, ये बेल रैलिंग होती है, शाम को तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पर। ये इधर का मेन गेट, मैं इधर से आया हूँ, आपको दिखाता हूँ मेन वो हाईवे। और भाई जैसे ही हम इसके एंड तक आते हैं ना, तो ये मेन रास्ता है, मेन वाला हाईवे है, ये भी देखो। तो आपको पूरी चीज़ें दिखाते हैं द्वारका दास गार्डन की, क्या क्या चीज़ें यूनिक है, क्या क्या चीज़ें इसमें, और क्या सबसे मस्त चीज़ है, क्या बुरी है। तो व्लॉग में एंजॉय करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलते इधर से, ये है मेन रास्ता जहाँ से एक राउंड काट के दिखाएंगे आपको। भाई यहाँ पर बहुत से पोल भी खोल सकता हूँ मैं, क्योंकि बहुत से कपल बैठे रहते हैं। म्यूजिक। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, देखो इधर भी मैं क्रिकेट खेलने आता था कभी कभी, खुद के परमानेंट वो तो होते नहीं थे। तो इधर से लेंगे लंबा वाला राउंड, मस्त वाला। तो भाई ये बहुत बड़ा है, आई थिंक इधर का सबसे बड़ा वाला पार्क है। और यहाँ पे 2 जिम की लगी है, एक तो गर्ल्स वाले बॉयज़ के, इधर तो मतलब औरतें औरतें ही करती है जो भी कसरत वसरत करती है। तो पार्क में घूमना मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उधर हमारे तरफ पार्क नहीं है, उधर तो पता नहीं क्या है ये रे यार। देखो बच्चे मस्त कर रहे हैं। और ये इधर द्वारका दास अपार्टमेंट ना, इधर मैं दिखाऊँ आपको एक चीज, इधर आर ओ लड़की जा रही, वहाँ आर ओ है, इसमें पानी भरने आते थे रोज, क्योंकि हम आर ओ वाला पानी पीते थे, नल वाला नहीं। और इधर जस्ट इसके वहाँ से कट मारने के बाद ना, वो वुडलैंड पार्क आता है, जंगल जैसा है बिल्कुल भरा भाई, मस्त ना चलने के लिए और टहलने के लिए ये बना रखी है, ये अच्छा काम है। बारिश आए तो भी कीचड़ होना, तो इन पर तो कीचड़ होने से रहा, सबसे अच्छा काम तो ये है यहाँ का। भाई मेरा बस तो लेना, जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ एक पार्क बना दूँ मस्त वाला। भाई से कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी, लेकिन बस चलता कहाँ है हमारा भी, बारिश वारिश आ जाए तो रुकने के लिए मतलब पूरी व्यवस्था की हुई है यहाँ पे। और भाई यहाँ का होता है तो द्वारका दास में ना सबसे ज़्यादा घूमने आते हैं लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, और मतलब घूमने में मज़ा आता है, कि घुमाए हुए जो ढोल वाला राउंड है ना वो बहुत बड़ा है, इसलिए दिक्कत नहीं होती, भीड़ भाड़ भी नहीं होती ज़्यादा, भीड़ होती लेकिन बड़ा है तो भीड़ लगती नहीं है भीड़, इसलिए भाई मज़ा आता है। और एक चीज़ दिक्कत, आपको शायद पता हो, आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा हो यहाँ का, तो आपको एक चीज़ मिलेगी मस्त वाली, आपने उस वाले व्लॉग में वाटरफॉल देखी होगी ना,
इसमें से पानी आ रहा था मस्त वाला। हम बैठे थे यहाँ पे, ये वही जगह है देखो। अभी तो वाटर बॉल का पूरा पानी सूखा पड़ा है और कचरा वचरा सब इसमें, तो अभी तो मज़ा नहीं इसका कुछ भी। तो भाई यहाँ पे कपल भी बहुत बैठा रहते हैं, कपल ही कपल है यार। तो देखते हैं क्या ही होता है। तो भाई ये है जयपुर चौपाटी, इसका व्लॉग कल दिखाएंगे आपको, आज द्वार का दास का दिखाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, कल जाएंगे इसके अंदर। देख तो इसमें मैं कई बार राउंड काटने आया हूँ मस्त खाना खाने के बाद। तो भाई एक बार जब बारिश आ गई तो मेरे को कंफर्म याद है, बारिश आई थी तो हम वहाँ बैठ के गया था, मतलब एक डेढ़ घंटे तक बारिश आ रही थी कंटिन्यू तेज वाली। तो उसके नीचे में बहुत सारे अंकल थे, मैं मस्त से बैठ के गया। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। तो भाई घूमना भी चाहिए, मैं तो बताता हूँ, मैं तो ना खाना खाने के बाद बैठता नहीं हूँ, मैं घूमता हूँ, क्योंकि घूमने से ना भाई सेहत अच्छी होती है और मोटे तो होने भी नहीं चाहिए। तो आप मोटे भी नहीं होंगे अगर घूमोगे तो, और घूमोगे नहीं तो फिर धुंध बन जाएगी आपकी, फिर धुंध बनी तो फिर देख लो, शादी हो गई है तो बात अच्छी है, और ना फिर शादी से पहले अगर धुंध तो बोलेगी धुंध वाला पति है। इसलिए घूमा करो। और अगर भाई किसी को मेरी तरह जिम जाने का सपना है, भाई जिम जाना है और जिम नहीं जा पा रहे हैं, जैसे मैं नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि हमारे तो अपना एक महीने का जिम का 2,500-3,000 रुपये भाई, और फिर डाइट अलग है, वो सिर्फ जिम जिम के 3,000 रुपये हैं। तो हम ना उधर पार्क होता है तो मैं पार्क में जिम कर लेता पक्का, इधर पार्क है उसमें जिम का बना हुआ है। तो देखो भाई जो जिम जाना चाहते हैं और जिम नहीं जा पा रहे ना, मैं तो रिकमेंड करूँगा आ जाएगा पार्क में, बड़ी मस्त जगह है भाई। देखो ये इसमें से पैरों की कसरत हो जाएगी आपकी मस्त वाली, ये भी पैरों की कसरत का ही है, ये साइकिलिंग है, साइकिल जैसे राउंड करो या ऐसे घूमता है मस्त से पकड़ लो। और भाई ये जो शादी से पहले अगर चर्बी बढ़ गई है, पेट बढ़ गया है, इस पे ऐसे पुशअप्स करने होते हैं जिससे कि चर्बी कम हो जाती है, पेट कम होगा। ये भी पैरों की हाथों की एक्सरसाइज के लिए बना हुआ है, मस्त करके दिखाते हैं आप। देखो एक हाथ से चिस नहीं कर पा रहा मैं, बट दोनों हाथों से होता है, देखो ऐसे होता है मस्ती, गिर जाएंगे यार ऐसे तो। और ये है जिसको भाई बाइसेप्स और ये बनाने ना कि बाइसेप्स मेरे बड़े बड़े बाइसेप्स हो, ये तो भाई उसके लिए ही मस्त। बॉडी बन गई, वैसे सिक्स पैक डबल हो गया मेरा। और भाई सेटअप ना कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस को पसंद आया, क्योंकि भाई हर चीज़ यहाँ पे, बस वो रनिंग करने का नहीं है जिस पे दौड़ते हैं वो वाली मशीन। दूसरा राउंड ना काटते हैं बिना स्टैंड के, बिना माइक के, और ऐसे व्लॉग बनाते हैं नॉर्मल। अब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है, देखो पहले तो बहुत कम लोग थे। मस्त सेल्फी वेल्फी हो रही है लोगों की। तो ये सेकंड ये है, इससे कर सकते हो आप आराम से।
मस्त है भाई। भाई मस्त ना होली की तैयारी हो रही है, देखो गुलाल उलाल पिचकारी उचकारी मस्त से सजा रखे पूरी बिल्डिंग पे, मस्त ना वैसे हैप्पी होली। चारों तरफ भीड़ है मस्त वाली, लोग गुलाल उलाल से खेल रहे हैं मस्त वाले। देखो वही आज के वो लोग को करेंगे ये बहन, और मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, जो कल का ब्लॉग बहुत मस्त होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब क्लिप बाय बाय।